नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फंगल और खुजली के लिए आपको कौन सा साबुन बेस्ट रहेगा, कौन सा साबुन आपको यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक खुजली अलग डिजीज़ हो गया और एक फंगल जो होता है अलग डिजीज़ हो गया। दो शॉप है मेरे पास दोस्तों, एक में इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है पैरामेथ्रिन मिलता है दोस्तों इसमें, ये आपको कहीं पर भी ब्रांड नेम से देखने को मिल जाता है। ये एक मेरे पास साबुन है, ये आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग भी देखने को मिल जाता है। पर मैथ्रिन जिसमें इंग्रेडिएंट्स होता है आपको कहीं पर भी एथिकल में भी देखने को मिल जाता है। दूसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है किटोकोनाजोल एंड सेट्रीमाइड होता है इसमें, दो इसमें इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों के क्या क्या यूज़ हैं जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए फंगल के लिए और खुजली के लिए कौन सा साबुन बेस्ट रहेगा, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों खुजली के लिए आपको कौन सा साबुन यूज़ करना चाहिए। इसमें दोस्तों देखने को मिलता है परमेथ्रिन, इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है जो खुजली के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये कहाँ से होता है दोस्तों, ये एक्टोपैरासाइटिस ड्रग्स का संवर्ग होता है जिससे उपयोग के लिए दोस्तों खाज खुजली वगैरह या फिर आपके सर में जुएं वगैरह है या फिर स्किन में हल्का फुल्का खुजली हो जाती है, एलर्जिक वगैरह हो जाती है, तो उस टाइम में आप ये इंग्रेडिएंट्स आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मेडिकल्स वगैरह में कहीं पर भी मिल जाएगा। आपने सिर्फ बोलना क्या है, खुजली के लिए ओनली सांप खुजली के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और बेस्ट रिजल्ट इसका देखने को आपको मिल जाएगा। दूसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है, दूसरा जो साप सॉप है हमारे पास एक किटोफ्लाई है, इजीली मेडिकल से मिल जाता है, लीफोर्ड का देखने को मिलता है। ये आपके लिए फंगल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इसमें किटोकोनाजोल है जो एंटी फंगल है और सेट्रीमाइड होता है एक एंटीसेप्टिक होता है। किटोकोनाजोल का दोस्तों एंटी फंगल जैसे कि आपके हेयर में डैंड्रफ हो रहे हैं, रूशी हो रही है या फिर बॉडी में कहीं पर भी फंगल है, कैसे भी फंगल है, एथलीट फुट है, जांघों में है, प्राइवेट पार्ट्स में है या फिर किसी भी पार्ट्स में अगर आपके फंगल है बॉडी में, तो आप इसका यूज़ इजीली कर सकते हैं किटोकोनाजोल का और सेट्रीटरमाइड। इसमें अगर आपको सिंगल साल्ट में भी देखने को मिल जाता है तो आप इसका यूज़ करेंगे फंगल के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स इसका देखने को मिल जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं दोनों के, तो ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक इनके देखने को नहीं मिले हैं, जैसे कि आपका हेयर वगैरह थोड़ा बहुत ड्राई हो सकता है और ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं साबुन के, लेकिन अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ये दोस्तों बेस्ट साबुन है दोस्तों खाज खुजली और फंगल के लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको खुजली के लिए कौन सा साबुन यूज़ करना है और फंगल के लिए कौन सा साबुन यूज़ करना है। ये आपका हो गया दोस्तों खुजली के लिए हो गया आपका परमेथ्रिन इंग्रेडिएंट जो जिसमें देखने को मिलता है और किटोकोनाजोल देखने को मिल जाता है जिसमें, वो आपके फंगल के लिए आपने यूज़ करना चाहिए। तो कम्प्लीटली आपको इस वीडियो में मैंने दोनों के बारे में बता दिया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कुछ डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर watching.